साथियों आपके अपने चैनल बोलना तो है पर आपका स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने और देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, क्योंकि हम हैं पीपल्स वॉइस। संवाददाता मसरत अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जिला बदायूं के मोहल्ला कबूलपुरा में उस्ताद राशिद खान के निजी आवास में तीजा की फतेह हुई। इस मौके पर अरमान खान की दस्तारबंदी हुई, जिसमें उनकी पत्नी जोयता बासु खान और सुपुत्रियां सुहा खान, शाना खान, डॉक्टर कविता अरोरा, विलाल खान आदि ने इस मौके पर मदरसा दारुल उलूम के कारी अब्दुल रसूल साहब की सरपरस्ती में अरमान खान ने अपने पिता के पद चिन्हों की सम्मानित दुआ की और पगड़ी बांधी। इस अद्वितीय क्षण में चेयरपर्सन फातिमा, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के प्रतिनिधि अवधेश यादव, मीडिया प्रभारी इंतजार हुसैन, इजहार अहमद, आमिर सुल्तानी, समन रजा आदि लोग भी उपस्थित रहे। बदायूं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का समय देख रहा है, जो 14 फरवरी 2024 को आयोजित होने वाले इवेंट के माध्यम से आगामी है। इसमें अरमान खान सहित विभिन्न कलाकार प्रतिभाग लेंगे, जिससे बदायूं का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों में रौनगत में आएगा। तो आइए हम जरा एक छोटा सा मैं भी बोल दूं कि यहाँ पर जो हम लोग मीडिया बदायूं में, मैं भी नहीं रहती बदायूं में, आप भी नहीं रहते, मैं कुछ नाम अनाउंस कर दूं जो मीडिया को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनको रोके जाए। और 14 को हम लोग एक सेलिब्रेशन रखेंगे और वो उसको हम किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे वो अभी आपको मैं बताएंगे। तो आज इस सेरेमनी में नमस्कार आदा, मैं अरमान खान। पापा का यही सपना है कि हमारे बदायूं में भी हर एक स्कूल में क्लासिकल म्यूज़िक को भी प्रमोट किया जाए और उनकी एकेडमी और हमारी एकेडमी द फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारा यही एक मुहिम है कि हर एक स्कूल में हम कोशिश करें क्लासिकल म्यूज़िक को और अच्छे तरह से प्रमोट करने का। और बदायूं में कल्चरल जो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का जो कल्चर है वो और आगे बढ़ा। देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बाबा की जो लेगेसी है इसको आगे बढ़ाने की, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जैसा बाबा ने हमारे बदायूं का नाम रोशन किया है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उतना ही या उनसे ज़्यादा कोशिश रहेगी और नाम रोशन करूँगा। आप थोड़ा सा मिनट मान लीजिए, आपको कह रहे हैं ना, आपको देना है ना अब आप थोड़ा जल्दी, आप थोड़ा सा पास में आ जाइए, मान ये फ्रेम आ जाइए, बस ठीक है ठीक है जी। कोई सवाल है जी, जी। आप बता दीजिए कि क्या कार्यक्रम था आज आपका। नहीं जी ऐसा है कि